बाद भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन में खाली पद भरने की तैयारी में अब बीजेपी है और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संकेत भी दिए हैं कि निकाय और पंचायत चुनाव के बाद अब पार्टी की समीक्षा की गई और ऐसे में एक दर्जन से ज्यादा जिलों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर नई नियुक्तियां की जाएंगी। संगठन अब खाली पदों को फुलफिल करने के लिए रणनीति बना रहा है, खाली पड़े निगम पदों को भरने की तैयारी में अब संगठन है और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान जल्द ही एक निर्णय भी लेने वाले हैं। तो लगातार देखिए, निकाय और पंचायत चुनाव के बाद अब पार्टी में समीक्षा चल रही थी कि खाली पदों को कैसे भरा जाए और ऐसे में अब क्राइटेरिया सेट हुआ है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही नई नियुक्तियां की जाएंगी। संगठन खाली पदों को फुलफिल करने की रणनीति पर काम कर रहा है। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसके संकेत दिए। संगठनात्मक फुलफिलमेंट जो भी है, जहां जरूरत है उन सारी चीजों को हम पूरा कर रहे हैं। हमें सारी समीक्षा भी हमारी की है, जहां पर हम थोड़ा कमजोर हुए वहां उसको और ताकत कैसे देना है, और बाकी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, जहां पर जो नियुक्तियां शेष बची हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी ही उन सारी नियुक्तियों को कर भी रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आगामी समय जो बूथ का सशक्तिकरण हमारा जो अभियान है, हम इसको और ताकत देने का काम कर रहे हैं। तो एक अभियान की तरह, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे थे, बूथ सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। एक दर्जन से ज्यादा जिलों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि समीक्षा कर ली गई है, जल्द से जल्द खाली पदों को भरा जाएगा, संगठनात्मक फुलफिलमेंट का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि निकाय पंचायत चुनाव के बाद पार्टी ने समीक्षा की और जो पद खाली पड़े हुए हैं, खास करके निगम के पदों की हम बात कर रहे हैं, खाली पड़े निगम पदों को भरने की तैयारी में अब सरकार है, संगठन भी लगातार इस पर कार्य कर रहा है और संगठन खाली पदों को फुलफिल करने के लिए रणनीति पर भी काम कर रहा है। तो अब आपको बता दें कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही नई नियुक्तियां होंगी और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खुद इस बात का जिक्र किया कि जहां हम कमजोर रह गए वहां पर अब फूंक फूंक कर कदम रखे जाएंगे और सोच समझकर वहां नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चर्चा जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द खाली पदों को भर लिया जाएगा। तो अब खाली पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द सीएम शिवराज सिंह चौहान भी निर्णय ले सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि जो कुछ समीक्षा होनी थी इन पदों को लेकर वो लगभग अब पूरी हो चुकी है और अब जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। संगठनात्मक फुलफिलमेंट का कार्य जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। निकाय और पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है और जैसा कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी बूथ को मजबूत करने के लिए अभियान चला चुकी है, ऐसे में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत ही आगे भी कार्य होंगे। ये बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कही। तो अब एक दर्जन से ज्यादा जिलों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, ऐसे भी संकेत हैं। फिलहाल परफॉर्मेंस के आधार पर ही नई नियुक्तियां की जाएगी। बीजेपी है, तमाम समीक्षा बैठकें हुई, चर्चाएं हुई और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह साफ कह दिया है कि जल्द से जल्द इन खाली पदों को भरा जाएगा, खाली पड़े निगम पदों पर भर्ती होगी लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर ये नई नियुक्तियां की जाएंगी। चलिए इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जैसा कि हमने सुना प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे संगठन को और बूथ को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस ओर कार्य कर रही है और अब समय आ गया है उन खाली पड़े पदों को भरने का, लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया तय है, परफॉर्मेंस के आधार पर ही नई नियुक्तियां होंगी।
देखिए अभी हाल ही में पंचायत और नगरी निकाय के चुनाव हुए हैं और उससे ये तो तय है कि सभी परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। जहां जहां अच्छी मात्रा में पार्षद बनकर आए हैं, सदस्य बनकर आए हैं, जाहिर सी बात है कि वहां के जिलाध्यक्ष ने बहुत अच्छे काम किए होंगे, वहां की संगठन ने बहुत अच्छे काम किए होंगे और उसी को आधार अब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश संगठन है वो बना रहा। आने वाले दिनों में कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं, करीब दर्जन भर जिले ऐसे होंगे जहाँ के अध्यक्ष प्रभावित हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंस ही उसका आधार बनेगा। जिसने अच्छा काम नहीं किया होगा वो जाएगा, उसकी जगह नए लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही निगम मंडल के बहुत ऐसे पद हैं जो लंबे अरसे से खाली पड़े। अब 2023 की तरफ भारतीय जनता पार्टी को बढ़ना है तो इन पदों को भी भरना होगा और जहां जहां जो कमियां हैं उनको भी दूर करना होगा। तो बाकायदा नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के बाद से लगातार समीक्षाएं की जा रही है, जो सीनियर कार्यकर्ता उनसे बात की जा रही है, जहां जहां जो शिकायतें आई है उनकी समीक्षाएं की जा रही है और समीक्षा के बाद लगभग ये मानकर चलिए कि सितंबर माह 15 के आसपास कुछ नई नियुक्तियां हो सकती है, कई जिलों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, साथ ही और भी जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता है जो जिन्हें जिम्मेदारी सौंपा जाना वो भी दिखाई दे सकती। लेकिन बड़ी बात यह होगी कि कई ऐसे निगम है या जो प्राधिकरण के अध्यक्ष है उनको भी अब मौका मिल सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्षेत्र का मामला जैसा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे थे तो वो तय करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा ऐसी जरूर है कि जल्दी जो भी खाली पद पड़े हैं उनको फुलफिल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद 2023 की तरफ बढ़ना है। तो अब ज्यादा मौका, ज्यादा समय भी नहीं है, लगभग साल सवा साल बचा है, तो इसमें जिन लोगों को मोबिलाइज करना है, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, तो उसके आधार पर ये बातें चल रही है और आने वाले दिनों में एक बड़े परिवर्तन के साथ बहुत कुछ दिखाई देने वाला सत्ता और संगठन की। बिल्कुल, धन्यवाद मनोज जी तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए जैसा कि मनोज सैनी जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर बता रहे थे कि परफॉर्मेंस के आधार पर अब नियुक्तियां की जाएंगी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्राथमिकताएं दी गई थी। ऐसे में कार्यकर्ताओं से भी चर्चा जारी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही इससे जुड़ा एक बड़ा निर्णय भी लेने वाले हैं।